फाइनली गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रो ड्रैगन्स की वो सीक्रेट टिप्स जिनको फॉलो करके आप बन सकते हो आसानी से प्रो। बट प्रो बनने से पहले एक इम्पोर्टेंट काम जरूर कर देना, 2.5 लाख सब्सक्राइबर बस होने वाले हैं, दबा दो यार बटन, लाइक भी कर देना, शेयर कर देना। और अब चलते हैं सीधा सीक्रेट टिप्स की तरफ। सबसे पहले टिप के बारे में अगर हम बात करें तो वो है डिसाइड करना कि आपको अटैक किस तरफ से करना है। दो चीजों के ऊपर ध्यान करो, या तो क्वीन हो या आरसी में से आपको एकदम स्टार्टिंग में मिल जाए बेस के, वहां से अटैक करो। वरना दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज वहां पे अटैक करो आप जहां पे आपको डिफेंस एकदम स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मिल रहा है। अगर डिफेंस के साथ आपको क्वीन और आरसी मिल रही है तो फिर क्वीन और आरसी की तरफ से जाओ। लेकिन डिफेंस अगर आपको ज्यादा ही मिल रहा है बिना क्वीन और आरसी के, साइड के बिना, तो फिर आप जाओ जिधर आपको डिफेंस ज्यादा मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आर्टिलरी मिल रही है मुझे पीछे से अटैक करने पे, स्कैटर शॉट मिल रहा है तो अपने आप में एक हैवी डिफेंसेस स्टार्टिंग में मुझे मिल जा रही है, उसका बड़ा बेनिफिट होता है गाइस। और उसी बेनिफिट के चक्कर में हमने अटैक किया पीछे से। अब यहां से आगे हर एक अटैक पे ना मैं आपको एक टिप बताऊंगा, ठीक है? हालांकि मेरी फ्रीज गलत हो गई है पर टाउन हॉल मिल जाएगा। बोलने के चक्कर में चीजें गलत हो जाती है ना कई बार। आरसी एबिलिटी में निकालना होगा हमको सिंगल टारगेट इन्फर्नो को। निकल गया सिंगल टारगेट इन्फर्नो, ज्यादा कुछ अब डिफेंस इस बेस के अंदर बचा नहीं है। क्या समझे आप? आपको मैंने इलेक्ट्रो अटैक की एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताया है। आप अटैक करो या तो क्वीन और आरसी आपको एकदम स्टार्टिंग में मिल जाए वार्डन एबिलिटी के अंदर, और अगर आपको लग रहा है कि क्वीन और आरसी के पास डिफेंस की ज्यादा वैल्यू नहीं है तो फिर आप ऐसी जगह से अटैक करो जहां पे आपको बहुत सारा डिफेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट डिफेंस बेस का एक साथ मिल रहा है। जैसे कि इस अटैक में मेरे को आर्टिलरी और दोनों स्कैटर शॉट पीछे की तरफ से मिल रहे थे, तो वो साइड यहां पे बेस्ट थी इस बेस के ऊपर अटैक करने के लिए। अब मैं आपको अगली टिप बताऊंगा अगले अटैक में। इसको 3 स्टार तो जान दो, 40 ट्रॉफी तो ले लें दो भाई मुझे। नेक्स्ट टिप के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है डिप्लॉयमेंट ऑफ द हीरोज। अब डिप्लॉयमेंट ऑफ द हीरोज के बारे में आप समझोगे इस तरह से कि आपको हीरोज का डिप्लॉयमेंट इस तरह से करना है कि वो आपके आर्मी से पहले कभी ना मरे। आपकी आर्मी मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके हीरोज जिंदा रहने चाहिए। अगर हीरोज जिंदा रहेंगे तो उसका आपको बहुत बेनिफिट होता है आखिरी के टाइम पे। अब वो आपको समझ में आएगा जब ये अटैक अपनी आखिरी स्टेज पे पहुंच रहा होगा। हीरोज का डिप्लॉयमेंट इस तरह से करो कि वो पूरे बेस का चक्कर काटते हुए जाए, जैसे कि अभी काट रहे हैं ना चक्कर हीरोज। किंग भी अपनी देखो फुल हेल्थ में है, क्वीन भी फुल हेल्थ में है, दोनों के पास एबिलिटी है। किंग और क्वीन के डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं मैं हीरोज में मेनली। आपका वार्डन तो क्योंकि आर्मी के साथ जाएगा, लेकिन किंग और क्वीन का डिप्लॉयमेंट ऐसे करना चाहिए आपको कि आपकी आर्मी भले मर जाए बट हीरोज नहीं मरने चाहिए, क्योंकि हीरोज ही वो काम करके आपको देंगे। जब आपके आर्मी मर जाएगी उसके बाद भी आपको 3 स्टार निकालने का जो दम दिखाएंगे वो होंगे आपके हीरोज। जैसा यहां पे आप देख रहे हो आर्मी कुछ खास बची नहीं है, एक दो इलेक्ट्रो ड्रैगन बचे हैं। ये भी अगर मर जाते, अगर ये अटैक 70% पे भी होता तो किंग और क्वीन के अंदर इतनी ताकत है कि 30% की वैल्यू आसानी से वो निकाल देते हैं आर्मी के मर जाने के बाद भी। अगला महत्वपूर्ण चीज क्या है? अगली महत्वपूर्ण चीज है स्टोन स्लैमर का इस्तेमाल सीखना, स्टोन स्लैमर की ताकत को समझना कि स्टोन स्लैमर कितनी घातक चीज है और आपको कितनी ज्यादा वैल्यू निकाल के दे सकता है। क्या टैंक करता है स्टोन स्लैमर आर्मी को, आइए देखते हैं हम इस अटैक में और सिखाते हैं आपको इसका हमला।
सब डिफेंस को अपने ऊपर खाता है ये स्टोन स्लैमर। आपकी आर्मी की सुरक्षा करता है ये स्टोन स्लैमर। जाते जाते भी स्टोन स्लैमर्स में से निकले हुए बलून्स ने आपको लाके दिया है एक महत्वपूर्ण डिफेंस जिसका नाम है स्कैटर शॉट। और स्टोन स्लैमर के मदद से ही ये जो आर्मी अभी तक आपकी जिंदा है ना, ये उसका एक बड़ा रीजन है। इलेक्ट्रो ड्रैगन देखो 5 बचे हुए हैं अभी भी, क्योंकि जो ब्लैक माइंस थी काफी हद तक अंदर वाली उनको खा गया था, बाहर भी रख रखी थी इसने, वो अलग बात है। लेकिन जो टैंकिंग कैपेसिटी होती है डिफेंसेस को बिजी रखना, इलेक्ट्रो ड्रैगन की हेल्प करना, मतलब आपको मैं क्या बताऊं, मैं बहुत जबरदस्त चीज है ये, बस इसका इस्तेमाल करना आना जरूरी है आपको। ब्लैक माइनिस ने बाहर ज्यादा रख रखी थी, अंदर कब, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके इलेक्ट्रो ड्रैगन्स की संख्या इतनी ज्यादा बच गई स्टोन स्लैमर के इस्तेमाल की वजह से कि वो बाद में निकाल ही देंगे। इतने इलेक्ट्रो ड्रैगन मार लिए इसने, फिर भी क्या उखाड़ लिया, रॉयल चैंपियन गया हमारे पास, क्वीन है हमारे पास, पॉइजन है हमारे पास अभी स्वैग करने के लिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगली इंपॉर्टेंट चीज वही है जो मैंने आपको सबसे पहले अटैक में बताई थी, वो है अपोनेंट की क्वीन। ये सबसे ज्यादा भयानक डिफेंस है आपके अटैक के लिए। स्कैटर शॉट से आपको इतना खतरा नहीं है, आर्टिलरी से आपको इतना खतरा नहीं है, सिंगल टारगेट से आपको इतना खतरा नहीं है जितना खतरा आपको क्वीन से है। तो इस क्वीन को मारना क्यों जरूरी है इस अटैक के दौरान, मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, अगर क्वीन ज्यादा देर तक सर्वाइव कर गई और वो नहीं आई इलेक्ट्रो ड्रैगन्स की चपेट में, इलेक्ट्रो ड्रैगन्स की चपेट में मतलब कि जैसा भी आप इलेक्ट्रो ड्रैगन्स हमारे एबिलिटी में है, ठीक है, चेन डैमेज में आ जाए, और अगर चेन डैमेज में नहीं आ रही है जैसे इस वक्त नहीं आ रही है, उस वक्त आपको क्या करना है, फ्रीज कर दो इसको तुरंत। अगर ये नहीं मरी तो ये आपके 3 से 4 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को अकेले मारेगी और पटक पटक के मारेगी, मतलब कोई वापसी नहीं है, किसी तरह से बचने का आपको मौका नहीं देगी ये। कई बंदे क्वीन को फ्रीज नहीं करते हैं, सोचते हैं 3-4 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स क्वीन के पास चले गए हैं, वो क्वीन को मार ही देंगे, बट ऐसा नहीं है। 3 से 4 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स अगर एक साथ भी क्वीन के आसपास होते हैं ना, जब तक वो क्वीन को हिट करना स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले क्वीन उनकी विकेट गिरा चुकी होती है। तो इस चीज को आप समझें और क्वीन को दूसरा तीसरा चौथा कोई मौका ना दें। अगर उसको मौका मिला तो आपको मौका कभी भी नहीं मिल पाएगा, ये बात तय है। और सेम जाता है रॉयल चैंपियन के साथ, बट रॉयल चैंपियन कहीं ना कहीं कम डैमेज देती है क्वीन के मुकाबले। रॉयल चैंपियन से आप एक बार को पीछा छुटा सकते हो, बट क्वीन से नहीं। इसलिए क्वीन को सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी दें। अगर आपका एक इलेक्ट्रो ड्रैगन भी क्वीन के ऊपर है, तुरंत क्वीन को फ्रीज करके रेज मार दो उस इलेक्ट्रो ड्रैगन से, भाड़ में जाने दो बाकी आर्मी को, उस क्वीन को तुरंत मारो अत्यंत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अच्छे अच्छों को पता नहीं होता है गाइस, इसलिए उनके अटैक फेल होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 5वीं और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, जो है रॉयल चैंपियन का डिप्लॉयमेंट सीखना। अब आप कहोगे ये हम कैसे सीखें? देखो मैं अटैक के दौरान आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको अटैक शुरू करना है, जो जो अभी तक मैंने आपको टिप्स बताई है उनके अकॉर्डिंग, तब आप समझोगे कि ये स्पैम एक्चुअल में स्पैम होता ही नहीं है। इसमें आपके दिमाग में मल्टीपल चीजों का ध्यान एक साथ चल रहा होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि मुंह फाड़ के कहीं भी आर्मी उतार दिया आपने, ना 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 ना। वो वाली कहावत सुनी आपने, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, और आजकल लोगों में कम है, पर एक चीज की अकल बहुत आ गई है लोगों में आजकल, और उस अकल का नाम पता क्या है? 2 मिनट रुको, बताता हूं मैं जरा, मेरे आर्मी फंस गई है बेचारी। अब देखो गाइस, हमने रॉयल चैंपियन का डिप्लॉयमेंट कर दिया है, क्यों करा है? क्योंकि जो मल्टी टारगेट है ना, यहां पे क्वीन पहुंच नहीं सकती, और क्वीन नहीं पहुंचेगी तो क्वीन मर जाएगी, और क्वीन मर जाएगी तो हमारा अटैक फेल हो जाएगा, क्योंकि क्वीन को बचाना आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी क्वीन मरने वाली है, उसके सामने रॉयल चैंपियन को उतारो। इसीलिए मैंने क्वीन के सामने रॉयल चैंपियन को उतारा, ताकि क्वीन के ऐसे डैमेज को जाके रॉयल चैंपियन निकाल दे जहां पे क्वीन नहीं पहुंच पा रही है।
क्वीन जब आपके आखिर तक बचना स्टार्ट कर देगी तो समझो अब आप रो बनने की तरफ हो। कई बार आपको क्वीन को बचाना होता है, लेकिन कई बार आपकी आर्मी इतनी ज़्यादा संख्या में होती है और क्वीन एकदम अलग डायरेक्शन में होती है, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को सर्वाइव कराना होता है। उन डिफेंसेस को पहले उड़ा दो जहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन स्ट्रगल करने वाले हैं। तो इन दो केसेस का ध्यान रख के आपको रॉयल चैंपियन का डिप्लॉयमेंट करना होता है, कब आपको क्वीन को बचाना है और कब आपको क्वीन यानी किंग और क्वीन दोनों अगर वहाँ पे कब आपको इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को बचाना है। आखिरी टिप के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, उस लेवल का ये बेस नहीं है वैसे, बट बेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो टिप। बेस वेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग में टिप्स क्लियर होने चाहिए, वो टिप्स फिर हर बेस के ऊपर काम करेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, आपने सब कुछ सीख लिया लेकिन अगर आपने नहीं सीखा स्पेल डिप्लॉयमेंट, तो फिर आपकी जीवन में मजा नहीं आएगा सब कुछ सीखने के बाद भी। स्पेल डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? उन ट्रूप्स को स्पेल देना जिनको जरूरत सबसे ज्यादा है, या जो चेन डैमेज सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को देने वाले। बस सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सी चीज है। आप ये देखना है कि कौन से वाला झुंड कब कौन सी जगह पे पहुंच के चेन डैमेज देने वाला है उधर रेज मार दो, और उनको जो जो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है उसको फ्रीज कर दो। जैसे सिंगल टारगेट को फ्रीज किया, एयर स्वीपर को फ्रीज किया और बेस खत्म। बस इतना सी तो बात है, ज्यादा मुश्किल चीज थोड़ी ना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। क्या क्या करना है? चेन डैमेज जहां पे मिलने वाला है उस जगह अगर कोई ऐसा डिफेंस है जो उसको ब्लॉक कर रहा है, फ्रीज कर दो उसको और वहां पे रेज मार दो बस। और ये कैसे परफेक्ट होगा? प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस एंड और ज्यादा प्रैक्टिस। अब आप कहोगे कोई चमनप्रास की गुट्टी दे दो, नहीं है, ये गया 3 स्टार। ओ रॉयल चैंपियन मर गई बेचारी मेरी, नहीं मरी, मुझे लगा मर जाएगी, नहीं मरी। पर मुझे मालूम है आप बात कर रहे हो 7वीं टिप के बारे में, रह गई थी, याद आ गई तो बना देते हैं दोबारा से। 7वीं इंपॉर्टेंट टिप, डिप्लॉयमेंट ऑफ द वार्डन एंड द एबिलिटी ऑफ द वार्डन। कई लोग वार्डन का डिप्लॉयमेंट इस तरह से करते हैं कि बहुत सारे ट्रूप्स वार्डन की एबिलिटी से बाहर चले जाते हैं, इलेक्ट्रो ड्रैगन्स। और कई बार आपको वार्डन की एबिलिटी थोड़ा लेट देनी होती है, कभी जल्दी देनी होती है, अकॉर्डिंग टू द कि आपने आर्मी को कहाँ पे डिप्लॉय करा है। शुरुआत में ज़्यादा डिफेंस पड़ रहा है अगर आर्मी के ऊपर तो वार्डन एबिलिटी थोड़ा जल्दी दे दो। आपको लग रहा है थोड़ा आर्मी आगे की तरफ पुश होगी, उसके बाद ज़्यादा डिफेंस पड़ने वाला है उसके ऊपर, तो थोड़ा सा लेट दे दो। बस ये वाली बात है। आइए आप सीखते हैं इस चीज़ को। सीखते क्या, आप अटैक ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। देख रहे आप कितने ट्रूप्स वार्डन एबिलिटी में है? ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज इन द वार्डन एबिलिटी। किंग मरने वाला है, वहां पे पहुंच नहीं पाएगा डिफेंस तक, इसलिए हमने रॉयल चैंपियन का डिप्लॉयमेंट किया है। सिंगल टारगेट इन्फर्नो ऐसी जगह प्लेस है। अब किंग भी बचेगा हमारा, क्वीन भी बचेगी, दोनों एबिलिटी के साथ बचे रहेंगे, रॉयल चैंपियन भी अभी जिंदा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बेस नहीं बच पाएगा। और उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो सबसे बेहतरीन लगी होगी। 15,000 का लाइक हम रखते हैं इसका, लाइक सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। हर गली से इलेक्ट्रो ड्रैगन प्रो तैयार हो जाएगा, ठीक है? आज तक कभी नहीं बनाई मैंने ये वीडियो, इतने सालों में पहली बार बनाई है। बंदे बार बार डिमांड कर रहे थे, तो उस ज्ञान का क्या फायदा जो आप तक सीमित रह गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हर बंदा प्रो बने कोई दिक्कत नहीं है। बट गुरु जो होता है ना, एक आधी चीज ऐसी छुपा के रखता है जिसका तोड़ कभी नहीं मिलेगा। मजाक कर रहा हूं, क्या पता ऐसा हो भी सकता है। लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। 15,000 का लाइक के 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स के हम पास पहुंच रहे हैं,
मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।